हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर सीरीज़। मैं सैयद रमीज़। आज के इस टॉपिक पर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू एडिट ए ब्लॉग पोस्ट एंड पेजेस। फ्रेंड्स, ब्लॉग पोस्ट या पेजेस को एडिट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कंपलसरी होता है। अगर आपने कोई भी पोस्ट या पेजेस बनाया है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको नज़र आते हैं, तो उसको एडिट करना रहता है। इसको एडिट कैसे करते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ पिछले कुछ वीडियो में हमने जो भी सीखा था, उसको हम एक रिव्यू भी करेंगे। मैं शुरू करता हूँ एक्सप्लेनेशन से। आफ्टर यू टाइप ए ब्लॉग पोस्ट, यू माइट वॉन्ट टू मेक अमेंडमेंट्स, यानी चेंजेस टू योर ब्लॉग पोस्ट एंड पेजेस। सो ये हम डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो शो यू हाउ टू एडिट ए ब्लॉग पोस्ट एंड पेजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डैशबोर्ड। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में हम चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। यहाँ पर हमने कुछ पोस्ट एंड पेजेस बनाए हुए थे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अपना वेबसाइट जो है वो किस तरह से लुक एंड फील दिख रहा है। उसके अंदर भी बहुत कुछ कस्टमाइजेशंस है, उसको भी हम क्लीन करने की कोशिश करेंगे। वो किस तरह से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पोस्ट की ओर। पोस्ट पे आप आएंगे मेन्यू में, एंड यहाँ पर देखेंगे ऑल पोस्ट का ऑप्शन है। ऑल पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये पिछले आपने वीडियो में देखा होगा, हमने हाउ टू क्रिएट ए पोस्ट, वहां पर ये चार पोस्ट बनाए थे। चार में से एक पोस्ट को हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, कंप्लीट उस पर टेक्स्ट दिया था। तो इस पर आप यहाँ पर ये नीचे देख रहे होंगे एडिट का ऑप्शन है, आपको एडिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको वो एग्जिस्टिंग जो भी आपका पोस्ट होता है, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। सो आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम में ये सारी चीज़ें ऐड की थी हमारे वीडियो में। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्ट जो है रिपीट हो गया है। अगर आपको एडिट करना है वेबसाइट के अंदर, तो जस्ट सिंपली इसको सेलेक्ट करके आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए चेंज करना है, वो आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्लॉग पोस्ट को एडिट करते हैं। एडिट करने के साथ साथ इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर हमने ये इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। तो इस तरह से आप आपकी ब्लॉग पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको एडिट करेंगे, तो आपको राइट साइड में आप देखेंगे आपको अपडेट का बटन होगा। उस बटन पे आप जैसे ही अपडेट करेंगे, तो ये आपका ब्लॉग पोस्ट अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा, अगर आपको आपका टेम्पलेट्स, जो हमारा ये टेम्पलेट्स है, इसको मैं आपको वीव करके भी दिखा देता हूँ। आपको वीव करने का तरीका पता है कि जो आपका परमालिंक्स है, उस पर आप राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपका ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है। इसका टेम्पलेट चेंज करना, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इसको टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। सो टेम्पलेट क्या होता है, देखिए, ये टेम्पलेट जो है डिफॉल्ट टेम्पलेट पर सिलेक्ट है, दूसरा है कवर टेम्पलेट, एंड थर्ड है फुल विथ टेम्पलेट। ये टेम्पलेट जो होता है, ये आपकी थीम के साथ थीम डेवलपर आपको देता है। सो किसी थीम में आपको डिफरेंस मिलेगा। ये हम जो यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस 2020 थीम है। सो इसको हम फुल विथ पर सिलेक्ट करते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके का एडिट ऑप्शन है। सो पोस्ट हमारा अपडेट हो चुका है। वापस से हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी आप जो इसका विथ देख रहे होंगे कि हमारा जो विथ है, वो सिर्फ इतने पार्ट में है, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट में ये हमारा ब्लैंक स्पेस है। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये फुल विथ आ गया। तो जो लुक एंड फील है वेबसाइट का, वो समथिंग चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ये अननेसेसरी है। सो इसको भी किस तरह से हम क्लीन करेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कि वेबसाइट का लुक एंड फील। अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे, उसमें हमने लुक एंड फील पे कोई भी बात नहीं की है। ये हमारा मेन मेनू है, मेन मेनू को भी सेट करेंगे। ये हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो इस तरह से हमने ये ब्लॉग पोस्ट को एडिट कर लिया। अभी हम चलते हैं वापस से हमारे पेजेस की ओर, कि पेजेस को किस तरह से ऐड करते हैं। सो पेजेस में जाने के लिए आपको वापस से अगेन लेफ्ट मेनू में से आप ऑल पेजेस पर आ जाइए। अभी हमने पेजेस जो बने हुए हैं, वो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हाउ टू क्रिएट पेजेस। तो हमने चार पेजेस बनाए थे, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस। सो अभी जो आपका होम पेज है, वो ब्लैंक है, कंप्लीटली ब्लैंक है। बट वर्डप्रेस पर जैसे ही हम आते हैं हमारे होम पेज पर, सो ये हमारे जो लेटेस्ट पोस्ट होते हैं वो डिस्प्ले करा देता है। सो
तो इसका भी एक सेटिंग है, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है कि इसको किस तरह से सेट करते हैं। बट अभी हमारा जो है होम पेज है वो ब्लैंक है। अब इस ब्लैंक पेज पर आप क्या इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं वो आपको यहाँ से एडिट करना रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट पेज लेते हैं और एक हम डमी कॉन्टेक्ट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने सिर्फ कॉन्टेक्ट अस करके लिख दिया था। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एड्रेस, और एड्रेस को लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट करिए एंड कंट्रोल बी प्रेस करके आप बोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर भी ऑप्शन आ रहा है आप इसको बोल्ड कर दीजिए। यहाँ पर हम देते हैं हमारा एड्रेस। ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया एड्रेस। एड्रेस के साथ में हम यहाँ पर ईमेल दे सकते हैं, ईमेल में को भी आप सिमिलर दैट सिलेक्ट करिए और उसको बोल्ड कर दीजिए। ईमेल के आगे आप डायरेक्टली ईमेल भी रख सकते हैं या नेक्स्ट लाइन में भी दे सकते हैं, डिपेंड्स जैसा आपको लगता है। यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली अभी मुझे यहाँ पर बोल्ड निकालना रहेगा glenrush.com। यहाँ पर मैंने ईमेल दे दिया, साथ में आपको मोबाइल नंबर देना है तो आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। इस तरह से आप आपका कॉन्टेक्ट पेज के ऊपर जो कॉन्टेक्ट अस पेज है वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डमी नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से आप अपना नंबर दे सकते हैं, कोई भी नंबर आपको चेंज करना है, इन्फॉर्मेशन चेंज करना है वो दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट टेम्पलेट अगेन आ रहा है, ये कवर टेम्पलेट है, ये फुल विथ टेम्पलेट है। हम कॉन्टेक्ट पेज को डिफॉल्ट रखेंगे एंड यहाँ पर कर देंगे इसको अपडेट। देखिए ये इन्फॉर्मेशन को वापस से व्यू करना है तो इस पेज पर राइट क्लिक करके आप न्यू टैब में ओपन कर लीजिए। अभी देखते हैं हमारा ये पेज किस तरह से दिख रहा है। ऊपर कॉन्टेक्ट अस बड़ा बड़ा हेडर आ गया है, उसके बाद एड्रेस आ गया, ईमेल आईडी आ गया, कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, उसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ से हम इस पेज को वापस से एडिट कर सकते हैं बिकॉज हम यहाँ पर लॉग इन है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सर्च, रिसेंट पोस्ट और ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसको अभी हम किस तरह से क्लीन करेंगे ये डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी आता है वर्डप्रेस से रिलेटेड, वेबसाइट बनाने से रिलेटेड, कम नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, डेफिनेटली उसको हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।